शिनिन्योकू नेचर के मेडिकल इफेक्ट से ज्यादा फायदा उठाने के लिए नेचुरल माहौल स्पेशली जंगलों में टाइम बिताने की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है बुक्स को कलेक्ट करने और उन्हें इमीडिएटली पढ़े बिना सिर्फ जमा करने की प्रैक्टिस से है। किसी भी टाइम जितनी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, उससे ज्यादा किताबें खरीदने की आदत को बताने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में किया जाता है। ऊंचा झुके की प्रैक्टिस करने से लाइफ के लिए ज्यादा अवेयरनेस और थैंकफुल नजरिया डेवलप होता है। रोज के छोटे छोटे कामों में खुशी पाकर और छोटी छोटी चीजों को इम्पोर्टेंस देकर आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जापान के बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, पहले ग्लास का पानी दूसरे ग्लास के पानी जैसा नहीं होता। पहले से प्यास बुझ सकती है, दूसरे को आप इंजॉय कर सकते हैं। जापान के लोग इस डिफरेंस को जानते हैं। हमारी फास्ट पेस दुनिया में जहाँ स्ट्रेस और भाग दौड़ है, हम सभी अपनी लाइफ को खुशहाल और ज्यादा फुलफिलिंग बनाने के तरीकों की तलाश में है। यहीं पर हमें जापान को समझना चाहिए। जापान सिर्फ अपने खूबसूरत लैंडस्केप और कल्चर के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके कुछ यूनिक हैबिट्स और टेक्निक्स भी हैं जो हमें बेहतर लाइफ जीने में हेल्प कर सकती हैं। जापान के पास ट्रेडिशन और मॉडर्न लाइफ को बैलेंस करने का एक स्पेशल तरीका है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी 10 बेसिक जापानीज हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे पहली हैबिट है काइजन। काइजन का मतलब है बेहतर के लिए बदलाव या लगातार इम्प्रूवमेंट। ये एक फिलॉसफी है जो टाइम के साथ एक एक करके और परमानेंट इम्प्रूवमेंट हासिल करने के लिए लाइफ के अलग अलग पहलुओं में छोटे और मजबूत बदलाव करने पर फोकस्ड है। काइजन को पर्सनल डेवलपमेंट, वर्क प्लेस, रिलेशन और लाइफ के दूसरे पहलुओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पीछे का मेन आइडिया ये है कि लगातार किए जाने पर सबसे छोटे पॉजिटिव बदलाव भी लंबे टाइम में बड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये परफेक्शन के बजाय ग्रोथ के माइंडसेट को अपनाने के लिए मोटिवेट करता है और डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जर्नी को इम्पोर्टेंस देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने फिजिकल फिटनेस में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। इमीडिएटली मैराथन दौड़ने की कोशिश करने की बजाय आप रोजाना 10 मिनट ही वॉक करने से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उस रूटीन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप धीरे धीरे अपनी रनिंग का टाइम और स्पीड को बढ़ा सकते हैं। टाइम के साथ इन छोटे इम्प्रूवमेंट से बेहतर हार्ट हेल्थ और फिटनेस मिलेगी। एक दूसरा एग्जाम्पल एक नई लैंग्वेज सीखना हो सकता है। रातों रात फ्लुएंट स्पीकर बनने का गोल रखने के बजाय आप हर दिन कुछ नई वोकैबुलरी सीखें। अपनी वोकैबुलरी को लगातार बढ़ाकर आप एंड में उस लैंग्वेज में एक मजबूत बेस बना लेंगे। काइजन का सीक्रेट कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट पर जोर देना है। छोटे चेंजेस पर अच्छी तरह से फोकस करके और टाइम के साथ उनके लिए कमिटेड होकर आप अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में मजबूत और परमानेंट इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी जापानीज हैबिट है गमन। गमन का मतलब है पेशेंस और डिग्निटी के साथ अनबियरेबल लगने वाली चीजों को सहन करना। ये कल्चरल वैल्यू है जो आपको प्रेजरेंस, रेजिलियंस और सेल्फ कंट्रोल की मजबूत फीलिंग के साथ चैलेंजेस, अपोजिट सिचुएशन और अनकंफर्टेबल चीजों का सामना करने के लिए मोटिवेट करता है। गमन अपोजिट सिचुएशन में इंसान का सब्र और डिग्निटी बनाए रखने के आइडिया पर बेस्ड है। ये बिना किसी शिकायत के मुश्किलों को सहन करने और मुश्किल सिचुएशन से डील करने के लिए स्ट्रेंथ ढूंढने की इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। ये कॉन्सेप्ट जापानी सोसाइटी में गहराई से जुड़ा है, स्ट्रगल और मुश्किलों के टाइम की है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप वर्कप्लेस पर एक ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके लिए ज्यादा टाइम और डीप फोकस की जरूरत है। वर्कलोड के बारे में निराश होने या शिकायत करने के बजाय आप पेशेंस और मजबूत वर्क एथिक्स के साथ काम को पूरा करके गमन की प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रोजेक्ट के लिए कमिटेड रहेंगे, पॉजिटिव नजरिया बनाए रखेंगे और मुश्किलों का सामना करते हुए भी मजबूत बने रहेंगे। पर्सनल रिलेशंस में गमन की प्रैक्टिस करने में डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग के दौरान पेशेंस रखना भी शामिल है। गुस्से में रिस्पॉन्स करने के बजाय आप सेल्फ कंट्रोल रख के दूसरे इंसान के नजरिए को सुने, पेशेंस और समझ के साथ सॉल्यूशन के डायरेक्शन में काम करें। गमन फीलिंग को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि डिसेंट एटीट्यूड और फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ चैलेंजेस का सामना करने की ताकत को ढूंढने के बारे में है। इस माइंडसेट को डेवलप करके आप इमोशनली मैच्योरिटी को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, अपने करेक्टर को मजबूत कर सकते हैं। पेशेंस और मजबूत इरादे के साथ चैलेंजेस को सहन करने के जरिए आप अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरी हैबिट है मौतेनाई। मौतेनाई वो है जो रिसोर्सेज को बर्बाद करने पर अफसोस की फीलिंग के साथ साथ चीजों की इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए तारीफ करता है। ये रिसोर्सेज को सोच समझकर इस्तेमाल और फिजूल की बर्बादी से बचने के लिए मोटिवेट करता है। मौतेनाई एनवायरमेंट और चीजों के प्रोडक्शन में लगने वाले एफर्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज की बचाव की बात करता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चीजों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने, उसे आने वाले लोगों के लिए अवेलेबल कराने और आपके पास जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल रहने की फीलिंग को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास कुछ कपड़े हैं जिसे आप अब नहीं पहनते। इनको फेंकने के बजाय मौतेनाई की प्रैक्टिस करने में इसे रीयूज और सिलकर दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढें। आप एक पुरानी टी शर्ट को रीयूजेबल शॉपिंग बैग में बदल सकते हैं या फटे स्वेटर को सिलकर दोबारा से पहन सकते हैं। खाने के बारे में मौतेनाई बचे हुए खाने का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उसकी बर्बादी को कम करने के लिए इनकरेज करता है। एग्जाम्पल के लिए
आप शोरबा बनाने या आज रात के खाने में एक नई डिश बनाने के लिए सब्जियों के स्क्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोतेने का कॉन्सेप्ट पानी और एनर्जी जैसे रिसोर्सेज को बचाने के लिए भी है। जरूरत ना पड़ने पर लाइट बंद करना, दोबारा इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल का इस्तेमाल करना और टपकते नल को रिपेयर करना, ये सभी मोतेने की लर्निंग है। इसको अपनी डेली लाइफ में शामिल करके आप लाइफ को जीने के ज्यादा सस्टेनेबल और हेल्दी तरीके में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज की वैल्यू को पहचानने, वेस्ट और एनवायरमेंटल इफेक्ट को कम करने के लिए समझदारी से चीजों का इस्तेमाल करने के बारे में है। चौथी हैबिट है ओमुयारी। ओमुयारी का मतलब करुणा, एम्पथी या सहानुभूति है। ये दूसरों की फीलिंग्स को समझने और उस बारे में बात करने के साथ साथ दूसरों के लिए दयालु और अंडरस्टैंडिंग बनकर बिहेव करने के लिए कहता है। ओमुयारी जापानीज कल्चर में एक फंडामेंटल वैल्यू है जो दूसरों के एक्सपीरियंस के बारे में अवेयर होने और उनके साथ इज्जत और समझ के साथ बिहेव करने के महत्व को बताता है। ये इमोशनल लेवल पर लोगों से जुड़ने, उनकी मुश्किलों और खुशियों को पहचानने और इस तरह के रिस्पॉन्स देने के बारे में है जो केयर और समझ को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने देखा कि वर्क प्लेस पर कोई कलीग दुखी और घबराया हुआ लग रहा है, तो उनकी हालत को इग्नोर करने या उनके स्ट्रेस को बढ़ाने के बजाय उनकी बातों को ध्यान से सुने या उनकी भलाई के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। इससे पता चलता है कि आप उनकी फीलिंग्स के लिए सिंपैथी रखते हैं और उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। डेली इंटरेक्शन में ओमुयारी को प्रैक्टिस करने के लिए पोलाइटनेस और समझ के साथ बात करने पर ध्यान दें। किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी जरूरतमंद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपनी सीट छोड़ना या ईमानदारी से थैंक यू कहना, ये सभी दूसरों के लिए सिंपैथी और रिस्पेक्ट की फीलिंग्स को दिखाते हैं। ओमुयारी इस बात में भी है कि आप आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स को कैसे दिखाते हैं। टकराव होने के बजाय ओमुयारी के प्रैक्टिशनर के तौर पर आप ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें जो हर किसी की फीलिंग्स और जरूरतों को ध्यान में रखते हों। ये कॉन्सेप्ट पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। एक्टिवली सिंपैथी की प्रैक्टिस करके और दूसरों पर अपने एक्शन के इफेक्ट के बारे में सोचकर आप अपने चारों तरफ ज्यादा कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग माहौल बना सकते हैं। पांचवी हैबिट है शिनिन योकू। शिनिन योकू नेचर के मेडिकल इफेक्ट से ज्यादा फायदा उठाने के लिए नेचुरल माहौल, स्पेशली जंगलों में टाइम बिताने की तरफ इशारा करता है। ये जंगल के साइट्स, आवाजों और खुशबू में खुद को डुबोने के बारे में है। शिनिन योकू इस आइडिया पर बेस्ड है कि नेचर में टाइम बिताने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये प्रैक्टिस आपको स्लो डाउन होने, अपनी सेंसेस को एक मोमेंट में जीने के लिए शामिल करने और अपने आसपास के नेचुरल दुनिया में जुड़ने के लिए इनकरेज करता है। ये मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस से बचने और नेचर की शांति के जरिए आराम पाने का एक तरीका है। एग्जाम्पल के लिए शिनिन योकू की प्रैक्टिस करने के लिए आप नेचुरल सेटिंग चुने, जैसे जंगल या जंगली एरिया। अपने आसपास के माहौल पर पूरा ध्यान देते हुए जंगल में इत्मीनान से टहलें, पत्तियों के रंगों को देखकर, पेड़ों की सरसराहट को सुनकर, छाल की बनावट को महसूस करके और यहाँ तक कि जंगल की ताजा खुशबू को महसूस करने में अपनी सेंसेस को बिजी रखें। ऐसा करने का गोल कोई स्पेसिफिक दूरी या स्पीड हासिल करना नहीं है, बल्कि उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना और अपने आसपास की नेचुरल दुनिया से जुड़ना है। आप बैठने या लेटने के लिए एक जगह भी ढूंढ सकते हैं और नेचर से घिरकर उसमें आप आराम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने क्रिएटिव आइडियाज को रियल रूप दे सकते हैं। स्टडी से पता चला है कि शिनिन योकू के कई फायदे होते हैं, जिनमें स्ट्रेस का कम होना, मूड में इम्प्रूवमेंट, ब्लड प्रेशर का कम होना और क्रिएटिविटी बढ़ना शामिल है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो माइंडफुलनेस को बढ़ाती है, शांति की भावना को बढ़ावा देती है और आपको डेली लाइफ में हलचल से अलग होने में हेल्प करती है। अगर आपके आसपास जंगल ना हो तो किसी भी नेचुरल माहौल में टाइम बिताना, चाहे वो पार्क हो, बीच हो या गार्डन हो, ये सब एक जैसे फायदे देते हैं। जरूरी बात ये है कि आप उस पल में रहें, अपनी सेंसेस को शामिल करें और अपने आप को नेचर के सूदिंग और दोबारा जिंदा होने का एहसास करने वाले इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने दें। छठी हैबिट है ऊंचा झुके। ये एक जापानीज डिश है जिसमें आमतौर पर अलग अलग टॉपिंग के साथ पके हुए चावल के ऊपर गर्म चाय या शोरबा डाला जाता है। ये लाइफ के मॉडेस्ट और अनकॉम्प्लिकेटेड सुखों में खुशी और सेटिस्फेक्शन पाने का सिंबल है। ये इस आइडिया को एक्सप्रेस करता है कि लाइफ में छोटी छोटी चीजों से खुशी पाई जा सकती है। ये आपको उन सिंपल सुखों की तारीफ करने और उनका मजा लेने के लिए इनकरेज करता है, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या हल्के में लिया जाता है। इन छोटे छोटे कम्फर्ट्स पर ध्यान देकर आप अपने डेली के एक्सपीरियंस में खुशी और सेटिस्फेक्शन के अच्छे पलों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बारिश की दोपहर में किताब पढ़ते टाइम एक कप गर्म चाय का मजा लेने को इमेजिन करें। चाय की सिप लेने और अपने आप को एक अच्छी कहानी में डुबोने का यह आसान काम ओचा झुके का एक रूप है। ये एक कप चाय और एक किताब जैसी मामूली सी चीज से शांति और खुशी का पल बनाने के लिए है। इसके दूसरे एग्जाम्पल में अपने दोस्तों या फैमिली के लोगों के साथ घर के बने खाने का मजा लेने, पार्क में इत्मीनान से टहलना या किसी पालतू जानवर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शामिल है। इसमें उन छोटे छोटे पलों को पहचाने और अपनाएं जो आपकी लाइफ में आराम और खुशी की फीलिंग लाते हैं। ऊंचा झुके की प्रैक्टिस करने से लाइफ के लिए ज्यादा अवेयरनेस और थैंकफुल नजरिया डेवलप होता है। रोज के छोटे छोटे कामों में खुशी पाकर और छोटी छोटी चीजों को इम्पोर्टेंस देकर आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं।
ओचोजुके की फीलिंग को अपनी लाइफ में शामिल करने का मतलब ये है कि इस पल में मौजूद रहना और पूरी तरह से इसे जीना, चाहे वो एक कप चाय का मजा लेना हो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना हो या नेचर की ब्यूटी में डूबना हो। ये एक रिमाइंडर है कि खुशी सबसे छोटे और सिंपल मोमेंट्स में पाई जा सकती है। सातवीं हैबिट है इतादा किमासू। ये एक जापानीज फ्रेज है जिसे अक्सर खाना शुरू करने से पहले कहा जाता है। इसका इस्तेमाल खाए जाने वाले खाने और खाना तैयार करने में किए गए एफर्ट्स के लिए तारीफ और थैंकफुल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इतादा किमासू इंसान, नेचर और खाने की चीजों के प्रोडक्शन के प्रोसेस के बीच रिस्पेक्ट को दिखाने और इनके बीच आपसी जुड़ाव को एक्सेप्ट करने के जापानीज कल्चर का एक सिंबल है। इस फ्रेज को कहकर आप अपनी मेज पर खाने लाने में शामिल सभी लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन को पहचानते हैं। किसान और कुक से लेकर खाना पहुँचाने वालों तक सबके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, खाना शुरू करने से पहले आप अपने हाथों को एक साथ रखकर प्रेयर की पोजीशन में या बस मन ही मन में इतादा किमासू कह सकते हैं। ये फीलिंग्स खाने और उन सभी लोगों और चीजों के लिए आपकी थैंकफुल फीलिंग को दर्शाता है जिन्होंने इसे आप तक पहुंचाने में रोल निभाया है। इतादा किमासू के पीछे का कॉन्सेप्ट माइंडफुलनेस उन रिसोर्सेज और एफर्ट्स के बारे में अवेयरनेस के बारे में बताता है जो खाने के जरिए से हमें बनाए रखने में हेल्प करता है। ये सिर्फ भूख को मिटाने के बारे में नहीं है बल्कि श्रद्धा और विनम्रता की फीलिंग के साथ खाना खाने के बारे में भी है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अपने खाने में जल्दबाजी करने के बजाय स्वाद, बनावट और खुशी का मजा लेने के लिए कुछ टाइम निकालें। इससे खाने का एक्सपीरियंस ज्यादा मजेदार हो जाता है और आपको खाने के साथ एक मजबूत रिलेशन बनाने में हेल्प मिलती है। आठवीं जापानीज हैबिट है ओसेइबो और ओचेगुन। ये जापान में गिफ्ट देने के दो कस्टम है जो साल के एक स्पेशल टाइम के दौरान मनाए जाते हैं। ओसेइबो साल के एंड में आमतौर पर दिसंबर के आसपास मनाया जाता है और ओचेगुन साल के बीच में जुलाई के आसपास मनाया जाता है। ओसेइबो और ओचेगुन दोनों ही ग्रेटिट्यूड दिखाने और सोशल रिलेशन बनाए रखने की जापानीज प्रैक्टिस है। इनमें फैमिली के मेंबर्स, दोस्तों, कलीग्स और लाइफ के दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए गिफ्ट दिया जाता है। ये गिफ्ट्स उनके लिए रिस्पेक्ट को दिखाने, आगे भी आपसी साथ बनाए रखने और रिलेशन को गहरा करने में जरूरी रोल निभाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ओसेइबो के दौरान जो साल के एंड में आता है इसमें लोग पूरे साल मिले सपोर्ट के लिए तारीफ के सिंबल के रूप में गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट्स अलग अलग होते हैं और इनमें खाने पीने की चीजें, घरेलू सामान या दूसरी क्रिएटिव चीजें शामिल होती हैं। दूसरी तरफ ओचेगुन जो साल के मिड में आता है इसमें जापानीज उन लोगों के लिए थैंकफुल की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं जिन्होंने साल के पहले 6 महीनों में उनका साथ दिया और हेल्प की। ओसेइबो की तरह ओचेगुन गिफ्ट्स में भी ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल की जा सके। ओसेइबो और ओचेगुन के प्रैक्टिस अलग अलग रिलेशन के साथ कर सकते हैं जैसे कलीग्स, कस्टमर्स, टीचर, यहाँ तक कि नेबर के साथ भी। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में रिलेशन को मजबूत करने, रिस्पेक्ट दिखाने और इसी तरह आगे साथ को बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। आप भी इसे अपनाएं और इसकी प्रैक्टिस करते टाइम ये ध्यान रखना जरूरी है कि ओसेइबो या ओचेगुन में हिस्सा लेने वाले गिफ्ट रिसीवर की जरूरतें या पसंद क्या है। गिफ्ट्स उसके अकॉर्डिंग ही दिए जाने चाहिए। नौवीं जापानीज हैबिट है मी टाइम और माइंडफुलनेस। मी टाइम का मतलब है सेल्फ केयर और अपने साथ रहने के लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड करना। इस टाइम में बिना किसी डिसीजन के अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशन पर फोकस करते हुए पूरी तरह से प्रेजेंट में रहना और उस पल को जीना शामिल है। बिजी रूटीन और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच अपने आप को तरोताजा करने, अंदर से समझने और प्रायोरिटी देने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। मी टाइम ये पहचानने के बारे में है कि अपना ख्याल रखना सेल्फिश नजरिया नहीं है बल्कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए एक जरूरी प्रैक्टिस है। माइंडफुलनेस अवेयरनेस की एक कंडीशन है जहाँ प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बदलने की कोशिश किए बिना उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ये हर पल को नॉन जजमेंटल रवैये के साथ अपनाने, शांति और क्लैरिटी की फीलिंग्स पैदा करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, मी टाइम निकालने में पढ़ना, टहलना, किसी हॉबी को प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना या बस अपने थॉट्स के साथ अकेले टाइम बिताना जैसी एक्टिविटी शामिल होती हैं। ये बाहरी डिमांड से अलग होने और खुद से दोबारा जुड़ने का टाइम है। अपने मी टाइम में माइंडफुलनेस को शामिल करने से ज्यादा फायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए, टहलने के दौरान अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें, अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें, नेचर की आवाज और अपनी सांसों की लय को महसूस करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान भटकाने वाली बातों को छोड़कर पेज पर लिखे वर्ड्स में पूरी तरह से डूब जाएं। माइंडफुलनेस और मी टाइम की प्रैक्टिस स्ट्रेस को कम करने, फोकस में इम्प्रूवमेंट, इमोशनल समझ को बढ़ाने और ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ की फीलिंग को मजबूत करने में हेल्प करती है। रेगुलर बेसिस पर इन तरीकों की प्रैक्टिस करने से आप अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, चैलेंजेस से डील करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाते हैं और दूसरों के साथ ठहराव से बातचीत कर पाते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि मी टाइम को ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए दिन में कुछ ही मिनट काफी है ताकि कुछ मिनट माइंडफुलनेस या ऐसी एक्टिविटी कर लें जो आपको खुशी देती है, आपको अच्छा महसूस करवाती है और लाइफ के उतार चढ़ाव से डील करने के लिए तैयार करती है।
दसवीं जापानीज हैबिट है तुसुंदोकु। इसका मतलब है बुक्स को कलेक्ट करने और उन्हें इमीडिएटली पढ़े बिना सिर्फ जमा करने की प्रैक्टिस से है। किसी भी टाइम जितनी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, उससे ज्यादा किताबें खरीदने की आदत को बताने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में किया जाता है। तुसुंदोकु बुक के लिए प्यार और अलग अलग टॉपिक्स का पता लगाने की क्यूरियोसिटी को दिखाता है। ये इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करता है कि कभी कभी सब कुछ इमीडिएटली पढ़ने के लिए इनफ टाइम नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक बुक की दुकान पर हैं और आप ऐसी बहुत सी बुक्स को देखते हैं जो आपको इंटरेस्ट को जगाती हैं। आप उन्हें पढ़ने के इरादे से खरीदते हैं, लेकिन बिजनेस शेड्यूल या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण आप उन्हें तुरंत नहीं पढ़ पाते। इसके बजाय वो आपके टू बी रीडिंग कलेक्शन का हिस्सा बन जाती है और आपकी पर्सनल बुक की छोटी सी लाइब्रेरी में रखी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स खरीद कर वहाँ रख दी और भुला दी जाए या टाइम होने के बावजूद उन्हें ना पढ़ा जाए, बल्कि इसका मतलब उनके लिए सही टाइम का इंतजार करना है। बुक्स को इकट्ठा करने और एक पर्सनल लाइब्रेरी बनाने का काम एक्सपेक्टेंसी की फीलिंग लाता है और हर बुक आपकी लाइफ के लिए एक पोटेंशियल एडवेंचर के लिए हिम्मत या ज्ञान का सोर्स बनती है। आपको पता होता है कि मेरे पास इस टॉपिक के लिए एक बुक मौजूद है, मैं जरूरत पड़ने पर इस नॉलेज को सीख सकता हूँ, इसलिए आप बिना डरे उस फील्ड में लाइफ को जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 जापानीज हैबिट जो जापानीज कल्चर का पार्ट हैं और ये बहुत ही गहराई से सभी लोगों को दी जाती हैं। और आज की डेट में हम सभी लोग जानते हैं कि जापान कहाँ है और उसका सबसे बड़ा कारण इन्हीं हैबिट्स के पीछे छुपा है। आप भी इन हैबिट्स को अपनाकर अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन हैबिट्स में कौन सी ऐसी आदत है जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू करेंगे। वो एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। सभी को कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।